अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ मैं कैट वर्सेस मॉन्स्टर गेम की कंप्लीट गाइड शेयर करने जा रहा हूँ। कल मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ इसका लिंक शेयर किया था। जिन लोगों ने कैटिजन की अपनी जो बॉम्बी गेम है वो प्ले की है, उनको तो इस गेम को समझने में इतना कोई मसला नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ये गेम, ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये टेलीग्राम पे एक मिनी गेम है, मिनी बॉट है, जहां पे आप गेम प्ले करेंगे और गेम प्ले करने के बदले में आपको एयरड्रॉप मिलेगा। इस वीडियो में ये गेम प्ले कैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो कैटिजन की बॉम्बी गेम है, बिल्कुल जिन लोगों ने वो गेम प्ले की है उनके लिए इस गेम को अंडरस्टैंड करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको सारे इस गेम के जो लेआउट्स हैं वो आपको बताऊंगा। गेम बड़ी, चूंकि बहुत ज्यादा इसके फीचर्स हैं, तो वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको गाइड करूं। ये मैं इसको गेम को क्लोज कर देता हूं, और साथ इसके इसकी सोशल मीडिया पे इसको फॉलो करें, क्योंकि इनकी जो कैंपेन्स हैं वो चली होती हैं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इनकी 3 वीक्स की कैंपेन चली है। हर हफ्ते ये $10,000 एयर ड्रॉप करेंगे, तो उसके लिए जाहिर बात है इनकी कैंपेन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अभी इस तरह जब आप गेम, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जब आप लिंक को खोलेंगे तो इस तरह की गेम का प्लेट लेआउट आपको नजर आएगा। अब ये जितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं, इतनी चीजें तो शायद आपको नजर ना आए, क्योंकि मैंने कल से मैं गेम को प्ले कर रहा हूं, तो मैंने काफी चीजें अनलॉक कर दी हैं। जब आप गेम स्टार्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें यहां पे जो आपको नजर आ रही हैं वो आपको नजर नहीं आएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप गेम प्ले करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें अनलॉक होती जाएंगी। जो चीजें इस वक्त मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं वो भी आपको भी नजर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो जब आपने गेम को ओपन करना है तो आपको छोटा सा एक ट्यूटोरियल मिलेगा, यहां पे क्लिक करें, यहां पे क्लिक करें, उसको इंग्लिश में है, उसको थोड़ा अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़े, और जैसे जैसे वो आपको कह रहा है वैसे वैसे आप क्लिक करते जाएं, तो वो एक फर्स्ट एंट्रो होगा गेम का। आप वहां से ही काफी बेसिक चीजें लर्न कर लेंगे। जब वो आप चीजें स्टार्ट कर लेंगे तो यहां पे एक चीज आपने देखनी है, जस्ट फॉर योर, मतलब आपने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए, सिंपल करने के लिए, जहां जहां आपको ये रेड सर्कल नजर आए, जैसे कि ये यहां पे आपको नजर आ रहा है, यहां पे आपको नजर आ रहा है, यहां जहां जहां रेड सर्कल है, इसका मतलब है वहां आपके एक्शन की जरूरत है। ये एक बेसिक चीज आपने देखनी है। दूसरा, टॉप पे आपको 100 नजर आ रहा है, ये आपका शायद नजर ना आए। ये मैंने जो हीरोज हैं ये देख रहे हैं यहां पे, ये मेरा हीरो है, इसके साथ मेरे पेट्स हैं, 5 पेट्स हैं जो कि मैं अभी आपको, और ये सात, ये मेरे पेट्स जो हैं मॉन्स्टर को किल कर रहे हैं, डेंजियंस को। इसके बदले, हर किल के बदले हमें ये ऊपर कॉइंस मिल रहे हैं, गोल्ड कलर के जो कॉइंस आपको नजर आ रहे हैं, 3.04D। दूसरा, ये आपको पर्पल कलर या पिंक पर्पल कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये जेम्स हैं, ये जेम्स आपको यहाँ पे शॉपिंग में काम आएंगे, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप गेम की स्पीड इंक्रीज करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप आके यूजर्स की सेटिंग, मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में आके आपको ये रिवॉर्ड वगैरह मिलेंगे अगर आप गेम प्ले करेंगे तो, हर रोज प्लेयर वर्सेस प्लेयर रिवॉर्ड। अभी जब आप बिल्कुल स्टार्ट करेंगे तो आपका ये यहाँ पे आपको आइकन नजर आ रहा है, इस वक्त रेड है, ये पीवीपी है, यानी अरीना मोड है, यहाँ पे जहाँ पे आप दूसरे प्लेयर्स के साथ गेम प्ले करते हैं। तो ये इसका मुझे रिवॉर्ड मिला है यहाँ पे मेल बॉक्स में, इसको मैं यहाँ पे क्लेम कर लेता हूँ आपके सामने। 5,000 मुझे जेम्स मिले हैं जो कि आगे शॉपिंग में यूज होंगे, मैं अभी आपके साथ करके दिखाता हूँ। दूसरा, ये सिंपल ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये टास्क हैं, डेली आप टास्क कंप्लीट करेंगे तो इसको कंप्लीट करने के बदले आपको मुख्तलिफ किस्म के रिवॉर्ड मिलेंगे, जेम्स हैं, फिर ये मिस्टी बॉक्सेस हैं जिनके अंदर से गैजेट्स और मुख्तलिफ किस्म के रिवॉर्ड निकलते हैं। ये रॉयल्टी पास मेरा ख्याल है $30 की रेंज में बनता है, ये मैंने बाय कर लिया है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये वाला प्लेयर मिलेगा, हीरो मिलेगा, क्योंकि आपको बाय डिफॉल्ट जो फ्री में हीरो मिलेगा उसकी पावर कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो मैंने ये $30 का रॉयल पास पहले बाय किया, उसके बाद क्वेस्ट कंप्लीट करते जाएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही वो रेड कलर का जो सर्कल आपको नजर आ जाएगा जब आप कोई टास्क कंप्लीट करें, तो वहां पे जाके अपना रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, ये नीचे आपको एक चेस्ट नजर आ रही है, इस चेस्ट को अगर आप खोलेंगे तो यहां पे वेलकम बैग, यानी एक तो आप नॉर्मली आपके सामने गेम प्ले है, दूसरी बैकग्राउंड पे भी आपके हीरोज जो हैं, मेरे पास इस वक्त 3 हीरोज हैं, यहां पे मैं एट अ टाइम 4 हीरोज अटैच करता हूं, ये 2 ऑटोमेटिक हो गए फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पे अगर मैं दूसरे दोनों भी सेट करना चाहता हूं, अगर मेरे पास हीरोज ज्यादा हैं तो यहां पे मैं $10 $15 पे करूंगा, ये मेरे हीरोज क्या करेंगे बैकग्राउंड पे गेम प्ले करेंगे,
और बैकग्राउंड पे गेम प्ले करके जो रिवॉर्ड्स हैं खसूसन ये कॉइन्स के और ये गैजेट्स वगैरह के रिवॉर्ड फ्री में अर्न करेंगे। फिर नीचे इसके लीडर बोर्ड है, फिर उसके नीचे भी, इसको मैं फिलहाल कैंसिल करता हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसके नीचे ये स्क्रॉल आपको नजर आ रहा है, स्क्रॉल पे भी मुख्तलिफ किस्म के टास्क हैं। इन टास्क को आप अगर कंप्लीट करेंगे तो बदले में आपको ये वाला ग्रीन जो टोकन है मिलेगा, ये मेरा ख्याल है एयर ड्रॉप के लिए और जो जितनी कैंपेन्स है वहां पे आपके काम आएगा। अगर आपने किसी को इनवाइट करना है तो यहाँ पे इनविटेशन लिंक पे आपको मिल जाएगा, लिंक लेके आप दूसरों को इनवाइट करना चाहें तो इनवाइट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे भी आप आएंगे, ये भी इनकी लेजेंडरी सीजन 1 की कैंपेन चल रही है, इसमें भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर दूसरा ये रेड 1x1 आप जाते जाएं, ये डेली टास्क हैं। फिर यहाँ पे इंटरेस्टिंगली 7 पे क्लिक करेंगे तो ये भी रोज के रोज आपको टास्क देगा, ये वाले मिशन अगर आप कंप्लीट करेंगे तो इसके बदले भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 1x1 डाले तो ज्यादातर चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, मेरी ज्यादा मालूमात की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा, ये कौन आपको नजर आ रही है मुझे नहीं पता, आपको नजर आएगी कि नहीं, क्योंकि ये बाद में अनलॉक होगी, मेरी अनलॉक हो चुकी है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज है, जैसे मोनोपोली है, यहाँ पे आप आएंगे, इसको ये जो डाइस है, दो आपको डाइस मिलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चेक करते रहिएगा, उस डाइस पे आपका ये जो हीरो है जंप करता है और बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि मुझे की मिली है, ये की मैं आगे जाके आपको इसका यूज भी बताऊंगा। एक और मेरे पास दो हैं इस वक्त, मैक्सिमम दो हो सकते हैं, इसके बाद 3 टाइम जंप करेगा और साथ मुझे जेम से रिवॉर्ड। इस तरह आप डाइस भी प्ले कर सकते हैं, अब एक से ज्यादा दो बार मुझे मिले, दो मैंने प्ले कर लिया, ऊपर भी हम अनलॉक कर सकते हैं जो रिवॉर्ड्स वगैरह। अच्छा, इसके अलावा जी कॉन्स के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो एक और गेम है वै का मोल, एक इस तरह का, ये मैं आपके सामने प्ले करके दिखा देता हूँ। ये भी आपका अनलॉक होगा जब आप बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, उस वक्त आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पे करेक्टर आएंगे, इन मॉन्स्टर्स को आपने मारना है, इनको मारने के बदले आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। ये मेरा ख्याल अगर आप मोबाइल पे गेम प्ले करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा, ये गेम आप मोबाइल पे भी प्ले कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी, थोड़े से स्पीड बढ़ती जाती है, थोड़ा सा टाइमर होता है, उसके बाद टाइम अप, और इस दौरान आपने जितने को वैक किया होगा उतने आपको जेम्स वगैरह मिलेंगे। तो ये भी आप गेम प्ले करके एक्स्ट्रा रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं जी, अब अरीना पे, बिल्कुल बॉम्बी गेम की तरह इसका भी अरीना चैलेंजेस पे अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इस पे भी रिवॉर्ड आपको मिलते रहेंगे। यहाँ चैलेंज पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा ख्याल है हर 2 घंटे बाद आपको एक PvP चांस मिलता है, टोटल 3 चांस आप एट ए टाइम रख सकते हैं। मेरे पास इस वक्त 2 हैं, 3 मैं ऑलरेडी प्ले कर चुका हूँ। यहाँ पे चैलेंज में प्ले करने से पहले यहाँ पे आपकी कॉम्बैट पावर, यानी मेरे हीरो की कितनी कॉम्बैट कैपेसिटी है, वो है 434 D। आप जब स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, तो आपको नॉर्मल के मुताबिक नॉर्मल ही यहाँ पे प्लेयर वर्सेस प्लेयर करेक्टर नजर आएंगे। तो मैं अगर इन तीनों नीचे वालों से प्ले करूंगा तो रेड का मतलब है कि मैं लूज करूंगा। इसके अलावा यहाँ पे भी टास्क आप कंप्लीट करते जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको रिवॉर्ड मिलते जाएंगे। अब जैसे जैसे कंप्लीट करते हैं, अभी मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मुझे कहेगा ये वाला बॉस रेड का लेवल 9 में अगर क्लियर करूंगा तो मुझे 300 जेम्स मिलेंगे। आपके सामने मैं करके देख लेता हूं, आपको भी यहां कुछ ना कुछ नजर आएगा। जैसे कि ये देखें, ये टोटल बॉस रेड 10 है, 10 को मैं अगर किल करता हूं तो ये मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर टास्क कंप्लीट होगा तो मुझे वहां पे बदले में रिवॉर्ड मिलेगा, जेम्स रिवॉर्ड। जैसे कि ये देखें, अभी मुझे विक्ट्री, वो जो की मिली थी ना आगे, मैंने डाइस पे प्ले किया था, मुझे की मिली थी, वो एक्चुअली इसकी की थी। अच्छा, ये मेरा ऊपर आपको ये नजर आ रहा है, इस वक्त मेरा जो लेवल है वो है 4x5, और यहां पे अगर ये रेड नजर आ रहा है इसका मतलब ये है कि मैं मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकता हूं। अच्छा जी, ये जो आपको ऊपर गोल्ड मिल रहा है, इस गोल्ड की आप यहां पे अपनी जो पावर है, जैसे कि अटैकिंग है, HP है, यानी आपकी हेल्थ है, हेल्थ रिकवरी है, फिर क्रिटिकल है, क्रिटिकल को मैंने 77% किया हुआ है कि क्रिटिकल अटैक करे, और अगर क्रिटिकल अटैक होता है तो मेरा डैमेज जो है वो 400% होता है। अब नीचे वाला, सबसे नीचे बॉटम लेफ्ट साइड पे है हीरो का सेक्शन, वहां पे भी आपको रेड सर्कल नजर आ रहा है, इसका मतलब है वहां पे एक्शन की जरूरत है। इसको अगर मैं खोलूंगा तो यहाँ पे हीरो से रेलिवेंट सारी चीजें, अब हीरो से रेलिवेंट हीरो के करेक्टर को अगर आप चेंज करना चाहें, मेरे पास इस वक्त 3 हीरोज है यहाँ पे, एक जब भी आप भी स्टार्ट करेंगे तो ये ए लेवल का आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। एक मैंने वो $30 का जो बाय किया था, वो पैकेज जो बाय किया था उसमें ये हीरो मिला है। एक हीरो ये मैंने खुद बाय किया है, ये पता नहीं $49 के $50 का मुझे पड़ा था ये वाला, ये हीरो भी मैंने लिया है। अच्छा, हीरो को लेके फिर हीरो को इन्हेंस भी कर सकते हैं। इन्हेंस करने के लिए हमें ये वाला कोइन चाहिए, ये इनहेंस नजर आ रहा है आपको 6.1, ये तो है हीरो से रेलिवेंट सेटिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखें
तो यहां पर भी रेड सर्कल आपको नजर आ रहे हैं। इस वक्त दो मेरे गैजेट्स ऑन है, बाकी ये चार लॉक हैं। वो मेरा ख्याल है आगे मैं मजीद गेम प्ले करूंगा तो अनलॉक होंगे। अच्छा, यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो ये जो सॉर्ड है या गन है, इसके रेलिवेंट जितने मेरे पास गैजेट्स हैं जो मैंने शॉपिंग करके लिए हैं, ये वैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे रेड सर्कल। रेड सर्कल का मतलब यह है कि इनको मैं इनहेंस कर सकता हूँ। ये हीरो के गैजेट्स के हवाले से हो गया। अब आ गया जी अगला सेक्शन स्किल्स। वो स्किल्स आपको कहाँ पे नजर आएंगी, कहाँ पे यूज होगी? आप ये वाला सेक्शन देख रहे हैं, ये मेरी सारी स्किल्स हैं। आप बाय डिफॉल्ट ये ऑटो ऑफ होता है, आपने इसको ऑटो ऑन करना है जैसे ही आप कोई ना कोई स्किल अनलॉक कर लेंगे। ये स्किल्स भी मेरी छः की छः ही ऑन है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में शायद एक भी आन ना हो। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आपके पास स्किल्स आती जाएंगी, आप हाईएस्ट रैंक में जाते जाएंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता सारी अनलॉक होती जाएंगी। तो यहाँ आप स्किल्स की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा जब आप अपने हीरो को यहाँ पे इन्हेंस करते हैं तो बदले में हीरोज की आप यहाँ पे मास्टरी जो लेवल्स हैं उनको भी अपग्रेड कर सकते हैं। मेरे पास ये SP13 है। जितनी बार आप हीरो के लेवल को इन्हेंस करते हैं उतने आपको ये SP पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि बाद में आप अटैक को इन्हेंस, ये देखें अटैक को इन्हेंस करने में यूज कर सकते हैं। और यहां पे यहां हेल्थ HP को भी अगर आप इन्हेंस करना चाहें तो इस तरह अपने हीरो के मास्टरी स्किल्स को रीसेट भी कर सकते हैं। बाकी आप गो थ्रू हो जाएगा। रैलिक मेरा लॉक है। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये ट्रेट, आपके हीरो के मुख्तलिफ किस्म की उसके फीचर्स हैं। अटैक ट्रेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे अटैक के ये ट्रेड्स की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, यहाँ लोएस्ट से हाईएस्ट जो है। तो यहाँ पे आप अपने ट्रेड्स को भी, अपने हीरो के ट्रेड्स अगर आपके ये एक्टिव हो गया है, अनलॉक हो गया है, तो अपने ट्रेड्स की भी सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये वाले कॉइन्स चाहिए, जो इस वक्त मेरे पास 30 हैं। तो उसके लिए मैंने सारे ये लॉक किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कोई भी आपको ट्रेड पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे HP वाला पसंद नहीं है, इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा, सॉरी इसको यहाँ पे अगर मैं चेंज पे क्लिक करूंगा तो ये वाला जितना है, ये जो लॉक है ये चेंज नहीं होगा, बल्कि जो अनलॉक है ये वाली मेरी ट्रेड जो है ये अनलॉक हो जाएगी, सॉरी ये चेंज हो जाएगी। आपके सामने मैं 25 ये कॉइन पे करूंगा। अब अटैक मेरा 50% इंक्रीज हो गया। अच्छा, इसके अलावा हीरो का सेक्शन हो गया। अब आ गया जी पेट्स का। ये जो आपको स्टार्ट में हीरो के साथ पेट्स नजर आ रहा है उसका ये सेक्शन है। तो यहाँ पे आपके जो पेट्स हैं उनकी आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी ये वाला सेक्शन, ये भी आपको बाद में अनलॉक होगा। यहाँ पे एक ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड है, इसको प्ले करें, रिसर्च को प्ले करें, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करेंगे तो बदले में आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। ग्रेवयार्ड पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ऐसे अनलॉक करते जाएं इनको, तो बदले में आपको रिवॉर्ड मिलते जाएंगे डिफरेंट किस्म के। ठीक है, ये देख रहे हैं जहाँ पे ऐसे हैं इनको अनलॉक करते जाएं। जितने आपके पास ये देख रहे हैं, ये आपके पास जो शावल्स हैं, ये जितने आपके पास शावल्स होंगे उतने ही आप, और ये रीसेट होते रहते हैं आपको नए, और जैसे ही ये मॉन्स्टर आ जाए यहाँ पे सॉर्ड पे क्लिक करें और मॉन्स्टर को किल कर दें, और इसके बदले आपको अलग से ये वाले सोल पॉइंट्स मिलेंगे जो कि बाद में आपको आपके काम आएंगे। अभी आपको बताता हूँ ये सोल आपको कहाँ पे काम आएगा। ठीक है, सर्च में जाके ये जो आपको सोल मिलेंगे वो सोल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये है, इसकी अगर मैं कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं, मेरे पास 800 सोल होंगे तो मैं कर सकता हूँ। अगर इसको करना चाहूँ इंक्रीज अटैक, मेरे पास 100 की कैपेसिटी है तो मेरा अटैक जो है 40% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट नाउ या हम वेट कर लेंगे उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मेन चीज़ आ गई जी आप शॉपिंग की। यहाँ पे अब जो मैं आपको बता रहा था सोर्स ऑफ इनकम का एडवर्टाइजमेंट आई, जितने आपके गेयर्स हैं, जितने आपको मैंने अपनी स्किल्स नजर आई या पेट्स नजर आए, वो यहां पे आके आप समन कर सकते हैं, यहां पे अनलॉक कर सकते हैं, यहां पे आप पेमेंट करके भी कर सकते हैं, या ये जो आपको पिंक कलर का जेम्स हैं जो ऊपर मेरे आपको 24,000 समथिंग नजर आ रहे हैं, उनके जरिए भी आप बाइंग कर सकते हैं।